तो दोस्तों, ये है मेरी कार का सेटअप जिसमें मैं सोया था रात को। अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो। ये था इन लोगों का कैबिन जिसमें ये लोग सोए थे। काफ़ी कोजी कैबिन था, ये भी अच्छा था। और ये इनकी बाइक्स इन्होंने लगा रखी है दोनों साइड में। काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है एरिया, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ की जो खुशबू है हवा की, वो ही अलग है। बहुत फ्रेशनेस है हवा में, मतलब कुछ भी पोल्यूशन वगैरह यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। देख सकते हैं आप, हम लोग घोस्ट टाउन के अंदर हैं। एक्चुअली ये जो एरिया, ये घोस्ट टाउन ही कहलाता है, और हमारा कैंप ग्राउंड भी घोस्ट टाउन के अंदर ही है। ये आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल है घर का, जो कि अबेंटन हो गया था पहले। ऐसे ही घर हुआ करते थे यहाँ पे तब। देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पुराना घर है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है एक तरह से। सारे इसके प्लाईवुड वगैरह सब बाहर निकल चुके हैं। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे घोस्ट टाउन के घर का। हम ट्राई करेंगे अभी दूसरी जगह जाके और घर थोड़े से कैप्चर करने का, थोड़ा सा टाउन कैप्चर करने का, बट हम देखते हैं कि क्या होता है आगे प्लान, और लेट्स सी हाउ इट गोस। तो दोस्तों, ये है हमारे कैंप ग्राउंड का फायर पिट, और ये इन लोगों ने यहाँ पे एक पिज्ज़ा ओवन रख रखा है बेक करने के लिए। काफ़ी बढ़िया सेटअप कर रखा है यहाँ पे इन लोगों ने बैठने के लिए। रात को आओ, अपनी थोड़ी सी आग जलाओ और यहाँ पे बैठ सकते हैं 5-7 लोग, जितने मर्जी लोग बैठ सकते हैं। तो हमें पता नहीं था इसका कल रात को। ये लोग भी अंधेरे में ही आए थे, क्योंकि ये लोग आसपास के एरिया काफ़ी घूम रहे थे, और मैं भी अंधेरे में आया था, हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। बट हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे, साथ आएंगे और इसको चलाएंगे, हम बैठेंगे इसके पास, थोड़ा सा बातें करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया रिवर बह रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। पीछे हल्की हल्की आवाज़ आ रही है पानी की, और पानी देखने में बहुत ज़्यादा क्लियर भी लग रहा है। एक इन लोगों ने बहुत छोटा सा म्यूजियम बना रखा है आर्टिफैक्ट का, जो कि इन लोगों को मिले थे घोस्ट टाउन में खुदाई वगैरह के दौरान। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पे रखा हुआ है इन लोगों ने। ये नीचे पुरानी बोतलें उन लोगों की, ड्रिंक्स वगैरह की। ये जो पुराने इनको पत्थर वगैरह मिले हैं, फॉसिल वगैरह यहाँ से, ये इनको जो माइनिंग का सामान मिला है यहाँ पे नीचे, सारा काफ़ी सारा सामान है। तो ये सब उसी ज़माने का है जब ये टाउन एम्प्टी हुआ था, जब सब लोग अपना सामान बस ऐसे छोड़ के ही चले गए थे। काफ़ी कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है इसके अंदर। कैमरे का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता नहीं कि आप लोग कुछ देख सकते अंदर। टेलीफोन भी पड़ा है इसके अंदर, एक पुराना पॉट। तो काफ़ी अच्छा छोटा सा सेटअप कर रखा है यहाँ पे इन लोगों ने कैंपिंग का। ये इनका ऑफिस है यहाँ पे कैंप ग्राउंड वालों का, और काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया आप देख सकते हैं। चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ, घिरा हुआ है सारा एरिया। ये कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए रात का। अभी मैं इनके साथ बैठ के प्लान करता हूँ कि अब लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मिस्टर वी के नहाने का वेट कर रहे हैं हम लोग, जब वो नहा के आएंगे तो हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे कुकिंग थोड़ी सी। मिस्टर भी मैगी बना रहे हैं, मैं इधर बना रहा हूँ चाय, और बड़े शर्मा जी कुछ भी नहीं बना रहे हैं, वो बस हमारा बना रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। पानी भर रहा हूँ तो पानी डालो। तो दोस्तों, अब हम बैठे हैं यहाँ पे, चाय पी रहे हैं अपनी। आज मस्त चाय बनी है तुलसी वाली, और साथ में खा रहे हैं हम पार्ले जी बिस्किट। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। हल्का सा सनी वेदर है और बहुत ज़्यादा पीसफुल है। तो
करिए हमारे साथ आप लोग इंजॉय चाय के टेस्ट को, और मिलते हैं आप लोग को आगे। तो दोस्तों अभी हम खा पी के तैयार हो गए हैं सारा, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे को गलत मिली थी गूगल से, जो कि मैं आप लोगों को रास्ते में बताऊंगा क्या गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। घोस्ट टाउन के बारे में है ये। तो चलिए हम लोग अभी सामान पैकअप करके निकलते हैं यहाँ से, और आप लोगों को मिलते हैं, मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ रास्ते में। दोस्तों अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, हमारा अगला स्टॉप है वांगा मोमोना, वहाँ पे जाके हम शायद कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे। ऑलरेडी हमने मैगी खा ली और चाय वाय पी ली है यहाँ पे, पार्ले जी भी खा लिया चाय के साथ, बट अभी भी थोड़ी सी भूख लगी है, वहाँ पे जाके हम बनाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं मिली थी मुझे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन के काफ़ी सारे वर्जन हैं, जो कि मैंने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन बने हुए थे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो किसी और टाउन की थी पास वाले के, हम जहाँ रुके थे वो अलग थी। साथ में जो घोस्ट टाउन है वो घोस्ट टाउन के घर अभी नहीं है, यहाँ पे एक और दूसरा टाउन है यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पे है वो घर, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा अभी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। साज भाई वगैरह गए, मैं इनसे वीडियो लेकर डालूंगा उसके अंदर। तो दोस्तों ये मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। अब सामने है इनका वांगा मोमोना होटल, होम ऑफ द रिपब्लिक, ऑफिस भी है यहाँ पे, जिनके यहाँ से हम पासपोर्ट यहाँ का खरीद सकते हैं और स्टैंप लगवा सकते हैं। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं इनके पासपोर्ट ऑफिस में, और ये होटल भी है यहाँ का, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये, उसी टाइम की बिल्डिंग है 1990s की, देख सकते हैं काफ़ी पुराना इंटीरियर है इनका, अंदर से काफ़ी मर्च सेल करते हैं ये लोग। ये इनका पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पे, अभी हम पासपोर्ट लेंगे, मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। मेरे को एक इनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, इन्होंने डिफरेंट करेंसी के नोट ऐसे लेमिनेट करा के रख रखे हैं, आप आके देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी इनकी फ़ोटोज़ हिस्ट्री वाली लगी हुई है सारी यहाँ पे, ऐसा लगता है कि हम वापस 1920s 30s में ही आ गए हैं। वाह, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना अच्छा लग रहा है मेरे को ये सारा कुछ यहाँ पे, ये वही पुरानी ड्रॉल सब कुछ। तो अब हम करते हैं कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर, और उसके बाद हम पासपोर्ट खरीद के उसके ऊपर स्टैंप्स लगवाते हैं। दोस्तों मुझे अभी एक गैलीवे मिला है, ये गैलीवे में जो वुडन फ्लोरिंग है और कारपेट है ये सारा 1920s से ही लगा हुआ है, ये काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जगह ये। आप लोग कभी न्यूजीलैंड आएँ या जो न्यूजीलैंड में भी रहते हैं उन लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस जगह पे आएँ, आके एक एक्सपीरियंस करें, ये आउट ऑफ न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने ऑर्डर किया चीज़ अनियन पाइनएप्पल टोस्टी विद कॉफ़ी, मिस्टर बी पी रहे हैं बड़ो वाली ड्रिंक बियर, और साज भाई पी रहे हैं बड़ो वाली नकली ड्रिंक जिंजर बियर, और साथ में मेरे जैसा टोस्टेड सैंडविच। तो चलिए हम लोग फटाफट खाते हैं और निकलते हैं आगे की जर्नी पे। तो दोस्तों ये हमको मिल गया पासपोर्ट यहाँ का टाउन का, और सीधा इन्होंने हमको 20 साल का वीज़ा दिया है इसके अंदर। ये पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है, मिस्टर वी भी पीछे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं साइड चला जाता हूँ थोड़ा सा, मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डाली मेरी अभी तक, बाद में लिखूंगा मैं क्योंकि मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता यूट्यूब पे। ये इनकी स्टैंप है यहाँ के टाउन की, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने मेक शिफ्ट सा पासपोर्ट, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। तो अभी हम लोग खा पी के रेडी हो गए हैं और निकलने के लिए तैयार हैं हम लोग, तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं रास्ते में।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ पे एक कैफ़े पे। काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ट्रिप रहा आज का हमारा। मेरा GoPro भी डाउन हो गया था और हमारी काफ़ी सारी जो लोकेशन थी वो मिस हो गई हैं। अभी मैंने गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे, हम लोगों ने एक कैफ़े ढूंढा है, पीछे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे। बहुत अच्छी लोकेशन है, पीछे नदी बह रही है काफ़ी अच्छी। तो चलिए चलिए कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मेरा ही आ गया पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। साज भाई और मिस्टर भी दोनों ने चिकन बर्गर मंगवाए हैं। तो हम लोग फटाफट इन्हें फिनिश करते हैं और वापस निकलते हैं घर की तरफ।